स्कूल में लगा परेशानियों का अंबार, नहीं मिल रहा बच्चों को पीने का पानी। किरनापुर तहसील मुख्यालय के जनपद शिक्षा केंद्र रजेगांव के शासकीय माध्यमिक शाला कटंगी में शासकीय शालाओं में पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। स्थित शासकीय माध्यमिक शाला कटंगी में छात्र छात्राओं के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में करीब 150 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। दोपहर 11 बजे से विद्यालय में कक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इस दौरान जब शाला परिसर में जाकर देखा गया तो पता चला कि छात्राओं के लिए पीने के पानी की महीनों से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और छात्र छात्राएं साथ में पीने के पानी की बोतल लाते देखे गए और कुछ छात्र छात्राएं साथ में पानी की बोतल नहीं लाते, जो बिना पानी के स्कूल में अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। शासकीय प्राथमिक शाला में प्रवेश हाल को स्टोर रूम बना रखा गया है, जो उस हाल में पानी टंकी, गमला और अन्य डस्टबिन का स्टोर करके रखा है, जो बच्चों के स्वास्थ्य एवं अन्य छोटे बड़े कीड़े मकोड़े का खतरा बना रहता है। अर्थात इन बच्चों के लिए प्रधान पाठक को पीने के पानी तक की परवाह नहीं है। शाला परिसर में एक हेडपंप लगा हुआ है, परंतु उस हेडपंप में कई महीनों से गंदा जंक पानी निकल रहा है, जो बच्चों को हाथ धुलाने का कार्य करवाया जा रहा है प्रधान पाठक के द्वारा, जिससे विभिन्न प्रकार की संक्रमण बीमारियां फैल सकती हैं। एवं जानकारी अनुसार पीने का पानी ना होने से बच्चों के द्वारा 300-500 मीटर दूर से बोतल से पानी लाते हैं। बावजूद भी ना तो शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए पानी की टंकी एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। जब शाला में पीने का पानी तक नहीं है, स्कूल हाल में पानी टंकी को सजा कर रखा गया है, जो आगे चलकर रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी एवं शौचालय का उपयोग बच्चे कैसे कर पा रहे होंगे। पर इस पेयजल एवं प्राथमिक व्यवस्था की ओर ना तो शिक्षा विभाग और ना प्रधान पाठक द्वारा कोई व्यवस्था किया जा रहा है, जो शिक्षक प्रधान पाठक द्वारा अपनी वाहवाही लूटने के लिए स्कूल प्रारंभ होते ही पूर्ण व्यवस्था की समाचार के माध्यम से जानकारी दी गई थी। लेकिन वास्तविकता में स्कूल परिसर में देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की कमियां पाई गई हैं। एक तरफ शासन शिक्षा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर लाखों करोड़ों रुपए की बजट खर्च कर रही हैं एवं शासकीय शालाओं में अच्छी शिक्षा एवं सुविधा देने का वादा किया जा रहा है, पर हकीकत जमीनी स्तर कुछ और ही है। MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए किरनापुर से कैमरामैन विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट। साहिल पाचे। पाचे। कौन से स्कूल पढ़ते हो? कक्षा पांच। कौन से स्कूल में हो? स्कूल का क्या नाम है? प्राइमरी। गांव का नाम? कटंगी। ये बताओ कि आप जो स्कूल आते हैं तो जब पानी आपको जरूरत पड़ती है तो कहाँ से लाते हैं? कौन से नाम से लाते हैं? गांव में जो नल है, हैंडपंप है, ग्राम पंचायत स्कूल का जो हैंडपंप है यार, हैंडपंप आप यूज नहीं करते? क्यों नहीं करते? गंदा पानी आता है। दोनों हैंडपंप में गंदा पानी आता है, यानी स्कूल से बहुत दूर है भाई हैंडपंप। आपके बड़े सर कौन से? कौन है? नकपुरी सर जी। रुपेंद्र बाहे कहाँ कटेंगे स्कूल? ये पीने का पानी कहाँ से लाते बेटा? बहुत दूर है। अच्छा, यहाँ पानी के लिए टंकियों की नहीं रखे इन लोग? अच्छा, स्कूल से जब आते हो घर से स्कूल तो हैंड वॉश करवाते हैं मैडम वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह देते हैं? सर आपका परिचय? सर मेरा नाम छंडूलाल नकपुरे, माध्यमिक शिक्षक, शाला प्रभारी, शासकीय माध्यमिक शाला कटंगी। सर जो सर है वो आगे सर, सर ये जो हैंडपम्प है जो पानी निकलता है कैसा निकलता है सर?
थोड़ा मटमैला कलर का आता है, मटमैला आता है, ठंडा आता है पानी। क्या पीने योग्य है सर ये पानी? अरे उतना तो पीने लायक यूज नहीं है। सर बच्चों के द्वारा कहा गया है कि स्कूल से काफ़ी दूर है हमको, वहाँ से हमारे द्वारा हमको लाया जा रहा है पानी। नहीं तो हम खुद लाने लगते हैं ना सर? नहीं सर, बच्चे ने तो ये सब बताया नहीं, बोला कि हम लोग खुद जा रहे हैं, बोले ला रहे हैं। वो कुछ बच्चे हैं जिनके पास जैसे बॉटल है ना, तो खाली होता है तो ले आते हैं। काफ़ी दूर है वो तो सर, काफ़ी दूर है वो तो हैंडपम्प। नहीं हैंडपम्प नहीं जाते सर, ये इधर जो पास में है ना वगैरह ग्राम पंचायत के पास जाते हैं, बताया ना बच्चों ने, ग्राम पंचायत के पास से पानी लेते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो लंच में छुट्टी जैसी होती है तो अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ खाना नहीं लेते क्योंकि MDM बंद है, वो जाते समय ले जा लेते हैं और भर के ला लेते हैं खाना। कई बच्चों के पास तो बॉटल ही नहीं है सर, वो फिर कैसे क्या करते हैं, उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं। कई बच्चों के पास बॉटल नहीं पाएगा तो बच्चों को काफ़ी परेशानी है। तो देखिए सर, इस संबंध में हम क्या है व्यवस्था अभी कर रहे हैं उसकी। कल से आपको जो टंकी है बिल्कुल टंकी में बकायदा पानी मिलेगी, स्वच्छ और साफ। सर और स्कूल में आपको देखा जा रहा है पानी टंकी ऐसे पड़ा हुआ है। तो सर अभी जैसी बारिश हुई आंधी तूफान में वो गिर गई थी तो इसलिए अभी यहाँ रख दिए सर। वो तो कूड़ा ट्राई कूड़ादान टाइप दिख रहा है सर, वो तो काफ़ी डस्ट पड़े हुए हैं वहाँ पर, उससे कोई संक्रमण भी फैलने की बीमारी बच्चों में से। उसमें कोई कूड़ा नहीं है सर, वो जो है सर वो तो दिख ही रहा है ना सर, वो तो कितने गंद पड़े हुए हैं वहाँ। जैसे स्कूल आते हैं ना तो बच्चे कुछ कागज़ वगैरह डाल देते सर, कागज़ भी मिलेंगे आपको। तो कागज़ डालने का बक्सा है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको रखने का वो मकसद है। तो सर पड़े हुए सर, कहीं गमले के डब्बे पड़े हुए, कहीं भूखे पड़े हुए, कहीं बॉटलें पड़े हुए। गमला ये है सर कि गमला में भी पौधे नहीं है, नहीं तो गमला हम बाहर रखते हैं जैसे पौधा लगाते हैं, अब उस गमले को अंदर रखते हैं, गमला तो रखना पड़ेगा ना। सर यहाँ पर हमने देखे कि वो क्लास है कक्षा पाँचवीं, यहाँ पर कोई फैन वैन की व्यवस्था नहीं है सर, बेचारे गर्मी में बच्चे वहाँ। ठीक है सर, उसकी फैन की व्यवस्था हो जाएगी। हम जो पहली और दूसरी कक्षा में जो फैन है ना, वहाँ से हम निकलवा करके पहली और दूसरी कक्षा में तीन तीन फैन होंगे। ठीक है ना सर, हम उसकी व्यवस्था करवाएंगे। अभी तो फिलहाल तो बेचारे बच्चे परेशान हैं सर, इससे पहले आप ध्यान दे ये पानी की तो व्यवस्था हो जाएगी, आपके टंकी में पानी बच्चों को यहीं से उपलब्ध हो जाएगा। स्कूल चालू है सर 6 से 8 का हुआ है सर, किस डेट से चालू है स्कूल, किस डेट से स्कूल चालू है? 1 सितंबर से। 1 सितंबर से सर, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया सर परिसर में, जो हैंडपम्प के लिए जो ये कड़ा को कड़ा पड़ा हुआ है पूरा था, बच्चों के खेल के लिए अभी तक ध्यान नहीं दिया। बच्चों के फैन है जहाँ वो बिजली कड़कती तापमान में बैठे बड़े। नहीं सर, उनका विद्यालय 20 से खुला, 20 सितंबर से, 6 से 8 का खुला है 1 सितंबर से, और पहली से पांचवी तक की कक्षाएं 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ, अभी 10 दिन हुए सर।